इसी प्रकार से रिलेशन आर ऑन सेट इज सिमेट्रिक इफ इफ ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज ए टू ए वन बिलोंग्स टू मीन्स हमारे पास रिलेशन है तो अगर हम यहां पर देखें दो डिफरेंट अवयव हम लें सेट से वन एंड टू यदि हमारे पास रिलेशन है तो अगर टू और वन में रिलेशन में है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और अगर नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड है ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा यदि ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए वन ए थ्री बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि अगर हम रिलेशन से दो डिफरेंट अवयव उठाएं सपोज दैट हमारे पास रिलेशन है तो इससे हम निकालें वन 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 टू टू बिलोंग्स टू आर। तो अगर वन टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आर तो ये ट्रांजिटरी रिलेशन है अन्यथा नहीं। एक अरेंजमेंट के लिए हम चेक करते हैं वन टू बिलोंग्स टू आर टू थ्री बिलोंग्स टू आर इज वन थ्री बिलोंग्स टू आर इफ यस देन ट्रांजिटिव इफ नॉट देन नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन के प्रत्येक अवयव के लिए ट्रांजिटिविटी और सिमेट्री का नियम फॉलो करना जरूरी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट के प्रत्येक अवयव के लिए जिस सेट पर हम रिलेशन को जो है डिफाइन करने जा रहे हैं सेट के प्रत्येक अवयव के लिए इमेज होना जरूरी है। इसके नोटेशन का दूसरा तरीका भी हो सकता है आप ए वन ए टू रिलेट बिलोंग्स टू आर को ए वन रिलेटेड टू ए टू लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए टू रिलेटेड टू ए वन। ऐसे आप इसको भी जो है ट्रांजिटिविटी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ए वन रिलेटेड टू ए टू ए टू रिलेटेड टू ए थ्री दिस इंप्लाइज ए वन रिलेटेड टू ए थ्री। एक बार फिर बता दूं इन तीनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्सिविटी सेट के प्रत्येक अवयव के लिए आपके पास होनी चाहिए और सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी रिलेशन के प्रत्येक अवयव के लिए होनी चाहिए। तीसरा रिलेशन हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वही रिलेशन होता है जो इन तीनों रिलेशन को फॉलो करता है अर्थात जिसमें रिफ्लेक्सिविटी भी हो सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिविटी भी हो। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं हमारे पास सेट है ऑफ
parallel line in a plane. हमारे पास एक सेट है ए और वो है पैरेलल लाइन का. तो इसमें जो रिलेशन पैरेललिज्म है इसके चेक करते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है. तो जैसे कि मैंने आपको कहा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. तो हमारे पास सेट है L1 L2 L1 parallel to L2 अर्थात पैरेलल लाइन का सेट हमारे पास इन प्ले. तो इसके लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. L1 parallel L1 कोई भी लाइन अपनी लाइन के पैरेलल होती है. इट मीन्स दिस इंप्लाइज L1 रिलेटेड टू L1. कोई भी लाइन अपनी लाइन के समांतर होती है तो रिफ्लेक्सिविटी तो लागू हो रही है. नंबर दो सिमेट्रिकली देखें अगर दो लाइन L1 पैरेलल है L2 के लिए और L2 पैरेलल है L3 के लिए क्या यहां से L1 पैरेलल L3 नहीं होगा. L1 पैरेलल है L2 के. ये दो लाइन है L1 ये L2 ये पैरेलल है एक लाइन और है तीसरी L3. ये दोनों आपस में पैरेलल है ये दोनों आपस में पैरेलल है. क्या L1 पैरेलल L3 नहीं होगा. बिल्कुल होगा. इट मींस L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3 दिस इंप्लाइज L1 इज रिलेटेड टू L3. इट मींस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ये जो है फॉलो करता है. थर्ड है ट्रांजिटिविटी. सॉरी ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी जो है लिख दी गई है पहले. अब बात करते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री के लिए अगर L1 पैरेलल है L2 के क्या L2 पैरेलल L1 नहीं होगा. बिल्कुल होगा. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो निश्चित तौर पर ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी. अर्थात L1 रिलेटेड टू L2 है. दिस इंप्लाइज L2 इज रिलेटेड टू L1. तो इस तरीके से इन अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन इन अ प्लेन रिलेशन पैरेललिज्म रिफ्लेक्सिविटी शो कर रहा है ट्रांजिटिविटी भी शो कर रहा है और सिमेट्री भी शो कर रहा है. अर्थात इन अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन इन प्लेन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. एक और उदाहरण लेके चलते हैं हम. हमारे पास एक सेट है सेट ऑफ ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल
इसको हम समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। और रिलेशन हमारे पास है समरूपता, इसको चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी शो करता है, सिमेट्री शो करता है, ट्रांसिटिविटी शो करता है, और लास्ट में हम इसको चेक करते हैं क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, हम जानते हैं कि प्रत्येक ट्रायंगल जो है इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, क्यों कि प्रत्येक ट्रायंगल अपना समरूप होता है। दूसरी की बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल वन इज रिलेटेड टू ट्रायंगल टू, अर्थात ट्रायंगल वन समरूप ट्रायंगल वन, तो निश्चित तौर पर है अपने समरूप तो होता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए अगर हम सेट से दो ट्रायंगल लेते हैं, माना बात ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू, ये अगर रिलेटेड है आर से, अर्थात ट्रायंगल वन समरूप ट्रायंगल टू, तो क्या यहां से नहीं निकल सकता कि ट्रायंगल टू इज रिलेटेड टू ट्रायंगल वन, अर्थात ट्रायंगल टू इज रिलेटेड टू ट्रायंगल टू इज रिलेटेड टू ट्रायंगल वन। अगर पहला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज के, तो क्या दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के समरूप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तीसरा है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या थी, तीन अवयव लेते हैं ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू इज रिलेटेड टू आर, ट्रायंगल टू ट्रायंगल थ्री इज रिलेटेड टू आर, अर्थात ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के समरूप है और ट्रायंगल टू ट्रायंगल थ्री के समरूप है। क्या यहाँ से ये नहीं निकल सकता कि ट्रायंगल वन ट्रायंगल थ्री से रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा, ट्रायंगल वन रिलेटेड टू है ट्रायंगल टू से, अर्थात ट्रायंगल वन समरूप है ट्रायंगल टू के, और हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल टू समरूप है ट्रायंगल थ्री की, इसका मतलब सीधा सीधा है ट्रायंगल वन भी ट्रायंगल थ्री से रिलेटेड होगा, समरूप होगा। तो इन द सेट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अर्थात समरूप त्रिभुज के सेट में जो रिलेशन हमने देखा समरूपता, वो रिफ्लेक्सिविटी भी शो कर रहा है, सिमेट्री भी शो कर रहा है और ट्रांजिटिविटी भी शो कर रहा है। इट मीन्स सिमिलरिटी इन अ सेट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम